शफीकुर रहमान साहब आप भी स्वागत करेंगे, सांसद है आप समाजवादी पार्टी के, प्रधानमंत्री जो ये रिश्ता जोड़ रहे हैं एएमयू के साथ, स्वागत करेंगे इसका खुले मन से। जी हाँ, मैं यूनिवर्सिटी कोर का मेंबर भी रह चुका हूँ। हाँ। और मुझे दिलचस्पी है यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम से। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूनिवर्सिटी आने का प्रोग्राम दिया है तो मैं उनका वेलकम करता हूँ, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो यहाँ खुले दिल से आएंगे, खुले दिल की बात करेंगे। और यूनिवर्सिटी भी हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। फिर भाषण भी आप ही लिख दीजिए। मैं फिर भाषण भी आप ही लिख दीजिए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि खुले दिल से नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूँ खुले दिल से। यहाँ पर यूनिवर्सिटी की जो मांग है एक मुद्दत से माइनॉरिटी करेक्टर की, उस करेक्टर को बाहर करने का इनाम देना चाहिए। क्यों, नेशनल यूनिवर्सिटी होने में क्या दिक्कत है? नेशनल यूनिवर्सिटी होने में क्या दिक्कत है? इसमें जो माइनॉरिटी है जो यहाँ पर कमजोर है उनको अगर ये माइनॉरिटी करेक्टर मिल जाता है तो उनको फैसिलिटीज मिल जाएंगी, बच्चे पढ़ सकेंगे इसके अंदर। मैं ये चाहता हूँ कि दूसरे ये यूनिवर्सिटी की जो गवर्नमेंट एड देती है उसको उसमें भी इजाफा होना चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी के जो काम रुके पड़े हैं वो काम पूरे हो सके। और भारत रत्न संबित जी और जफर जी दोनों इसका जवाब देना चाह रहे हैं, इसके बाद मैं आ रही हूँ रहमान साहब और दाऊदी साहब। ठीक है संबित जी, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, कल प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, उनका भाषण क्या रहेगा, किस प्रकार का ग्रांट देंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा और भविष्य के गर्त में है। मगर ये बाशर्त ऐसा करेंगे तभी आए, ये ग्रांट देंगे तभी आए, ये उचित नहीं है। बाशर्त कुछ नहीं होता है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जाएंगे और स्वाभाविक रूप से उनका दिल बड़ा भी है और उनका दिल खुला भी है, तभी तो वो प्रधानमंत्री दोबारा बने हैं। तीसरी बात यहां पर मैं बता दूं, माइनॉरिटी स्टेटस देने की बात बार बार हो रही है, ये माइनॉरिटी स्टेटस वाला विषय कोर्ट में पेंडिंग है। आप याद करिए, रंजन गोगोई जी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तो 3 जज के बेंच ने जो डिसीजन लिया था उसको उन्होंने 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर दिया था। तो ये हमारे भारत में एक स्ट्रक्चर है, जज के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं होता है, जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगा वही सर्वमान्य होता है। इसलिए इसको प्रधानमंत्री कोर्ट के डिसीजन से पहले अपना डिसीजन कैसे सुना दे? मुझे लगता है इस प्रकार के बाशर्त प्रधानमंत्री आए या ना आए ये बातें बड़े लोगों को शोभा नहीं देती है। बिल्कुल जफर सफरेश्वर वाला जी, जल्दी से इस पर आप एक कमेंट कर लीजिए। देखिए 2018 में एएमयू ने क्लैरिफाई किया था कि हम एक सेकंड सर, हम कोई भी रिजर्वेशन कास्ट या रिलीजन के बेसिस पर नहीं देते हैं, हम इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए 50% रिजर्वेशन रखते हैं, इंटरनल स्टूडेंट्स उन्होंने कहा था। अलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 अक्टूबर 2005 में साफ किया कि माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है, हेंस द राइट टू रिजर्व 50% सीट फॉर मुस्लिम्स इज क्वेश्चन्ड। मेडिकल जो वहां पर पढ़ाई है उसमें 50% रिजर्वेशन रखना चाहते थे मुस्लिम छात्रों के लिए, उसको कोर्ट ने रोक लगा दी। अब सवाल यह है कि ऐसी शर्तें नहीं हो सकती ना, और एक नेशनल यूनिवर्सिटी वर्सेज एक माइनॉरिटी स्टेटस, क्या ऐसा फायदा हो जाएगा रिजर्वेशन के अलावा? अंजना जी, एक तो जब किसी को आप मेहमान को बुलाते हैं तो शर्त नहीं रखी जाती, कोई शर्त नहीं होती, आप हमारे मेहमान हैं, उनका इज्जत और एहतराम उस एतबार से होना चाहिए। दूसरी बात, ये माइनॉरिटी कैरेक्टर की इसलिए कि मैंने इसको बहुत डीपली स्टडी किया और मैं यूनिवर्सिटी का चांसलर रहा हूं 3 साल, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है, उसमें 99.9% मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना बहुत बड़ी बात है और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को उसके सालाना जितने पैसे मिलने चाहिए मोदी साहब की हुकूमत के जमाने में 6 साल से बराबर मिल रहे हैं। हाँ। उनको हर वो चीज मिल रही है जो किसी यूनिवर्सिटी को मिलनी चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि माइनॉरिटी कैरेक्टर बन जाने के बाद जो है उसमें कोई फर्क होगा। हुजैफा साहब, हुजैफा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी से एक कमेंट आपसे लेते हैं। हुजैफा आमिर राशिदी हैं जो कि ऑनररी सेक्रेटरी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के। हुजैफा बताइए, आपने सुनी दोनों की बात, माइनॉरिटी स्टेटस क्यों और पीएम के स्वागत पर क्या? अंजना, मुझे एक मिनट
बैठने के लिए, बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। देखिए जिस इवेंट में हमारे मुल्क के वजीर आजम साहब एज ए चीफ गेस्ट एड्रेस करेंगे, वो एमयू से जुड़े हुए लाखों स्टूडेंट्स, फैकल्टी और वर्ल्ड में फैले हुए एलुमनाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट है और वो हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है। उसमें मुल्क के वजीर आजम साहब आ रहे हैं और सवाल ये पैदा होता है कि ये वाकई एमयू, हम पूछना चाहते हैं कि वाकई ये एमयू से मोहब्बत है या सिर्फ एक पीआर स्टंट है, जिस तरह कल जो है बॉर्डर पे सिख किसान मर रहे हैं मगर ये गुरुद्वारे में जाकर के वहाँ टेका लगा रहे हैं। अगर वाकई एमयू का भला चाहते हैं या बुरा चाहते हैं पहले ये समझा दीजिए, पूरा कर लेने दीजिए। अरे पूरा क्या लंबा बोलिएगा, बस जवाब देना पड़ेगा, भाषण नहीं चलेगा। मैं पूछ रही हूँ आप एमयू का भला चाहते हैं या बुरा चाहते हैं, एक वर्चुअल संबोधन पीएम कर रहे हैं 10 बजे, आपको इसमें भी बुराई दिख रही है, खोट दिख रहा है? मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। बतौर हमारे वजीर आजम आ रहे हैं, कुछ लोग सुनेंगे, कुछ लोग विरोध करेंगे और कुछ लोग अगेंस्ट में हैं, ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सही भी है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो आने से पहले, अगर वाकई वो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हैं, तो आने से पहले एमयू के माइनॉरिटी कैरेक्टर को बहाल करेंगे? दूसरा, जिस तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर जो 6000 लोगों पर मुकदमा किया जाए, वो जो वॉइस ऑफ नेशन को जिंदा कर रहे थे, वो सारे मुकदमे वापस लेंगे? क्या एमयू के फंड में जिस तरीके से कटौती की गई 2014 के बाद से, जिसकी वजह से ऑफ सेंटर्स बंद होने की कगार पर हैं, क्या वो सारे फंड्स को रिलीज करेंगे?